हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज है डे टू यानी कि 2 मार्च, और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी लाइब्रेरी में। मैंने सोचा डायरेक्ट लाइब्रेरी से ही शूट करते हैं। मैं आ चुकी थी अपनी लाइब्रेरी में और मैं यहाँ पे अपना बैग अनबॉक्स कर रही हूँ, वही समस्या अनपैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को अब हमने अपना स्टडी रूटीन अच्छे से मेंटेन कर लिया है, तो अब हम करेंगे आज अपनी करंट अफेयर की क्लासेस। सो आई होप आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा, बिकॉज अब हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी मेंटेन कर ली है और अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल भी बना लिया है। बट गाइस, जो मेरा वाला ये जो टाइम टेबल जो मैंने बनाया ना स्टडी रूटीन 8 आवर्स का, इसमें मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ना जल्दी ही थोड़ा सा चेंज करूँगी, बिकॉज मैं इसको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से शेड्यूल कर दूँगी। क्योंकि जो ये सुबह का टाइम है ना 9 से 10-11 वाला, वो टाइम मेरे लिए थोड़ा सा बिज़ी रहता है घर पर ही, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वापस से एक बार और अच्छे से अपना टाइम टेबल मेंटेन करूँगी, जो कि मैं आपको शेयर करूँगी इसमें। और अभी तो फ़िलहाल मैं लाइब्रेरी आई थी, तो मैंने सोचा अपनी डेस्क वगैरह साफ़ कर लेते हैं, और यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह वैसे ही मेरी ऑलरेडी अरेंज थी। आज हम करेंगे अपने करंट अफेयर की क्लासेस। तो आप देख सकते हो, मैं अपना दूसरा वाला फ़ोन भी अपने साथ में ही लाई थी, बिकॉज़ दूसरा वाला फ़ोन ऐसा होगा ना, ये वाला तो क्या कहते हैं, मेरा शूट होता रहेगा, देन इससे मैं देखती रहूँगी अपनी वीडियोस वगैरह। ओके गाइस, सो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपना ये वाला सेट कर लिया है, नया दूसरा वाला फ़ोन, बिकॉज़ ये वाला ना मेरा पुराना फ़ोन है, अभी मैंने नया लिया रिसेंट में, बिकॉज़ मेरा ये वाला फ़ोन थोड़ा काम नहीं कर रहा था ना इस वजह से। तो अब हम अपनी क्या कहते हैं करंट अफेयर की जो क्लासेस है ना, मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं करंट अफेयर की क्लासेस मैंने अभी ही शुरू की है 1 मार्च से, और क्या कहते हैं, आज मेरा सेकेंड डे है करंट अफेयर की क्लासेस का, जो कि मैं आपको बता दूँ, ये मेरी जो करंट अफेयर की क्लासेस है मैं लेती हूँ उत्कर्ष क्लासेस, है ना, उत्कर्ष क्लासेस लेती हूँ। मुझे सर का नाम तो नहीं पता, बट हाँ अभी मैंने फ़िलहाल ही स्टार्ट किया है, तो आप देख सकते हो उत्कर्ष क्लासेस में लेती हूँ, और अभी मेरे को 2 ही दिन हुए हैं, आज मेरा सेकेंड डे है। फर्स्ट डे मैंने जो किया था इसमें स्टेट एंड स्टेट के मतलब कंट्री और कंट्री के कैपिटल्स वगैरह है ना, देन उसके बाद हमने इसमें अपना करंट अफेयर जितनी भी थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर थे। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक इसमें जो होने वाला है, वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा इसका, हम आज करेंगे अपने प्रमुख त्यौहार, है ना, जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं ना, उसके बारे में हम इसमें नोट करेंगे। इंडिया में कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, और कौन कौन से त्यौहार होते हैं, है ना, जैसे पर्पल फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, है ना, नुआखाई हो गया, कलारीपट्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं, कहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना, पोंगल हो गया, ओनम हो गया। सो इस चीज़ को अच्छे से, बिकॉज ये ना, ये वाली करंट अफेयर की क्लासेस हमारी जीके जीएस तो प्रिपेयर करा ही देती हैं, और साथ के साथ 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको सर काफ़ी अच्छे से क्या कहते हैं, एकदम मैप के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मैं तो सर की क्लासेस ही फॉलो कर रही हूँ, और मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता है, और आप भी सर की क्लासेस ही फॉलो करें, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। बाकी आपका अपना कम्फर्ट जोन है, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे करो। तो मैंने अपना फ़ोन सेट कर दिया था, ये तो अच्छे से सेट ही नहीं हो रहा था, देन मैं यहाँ पे अपना करना स्टार्ट कर रही थी, है ना। और क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स की सर की जो क्लासेस होती है वो 1.5 आवर की होती है, मतलब 1.5 घंटे की क्लास होती है, और 1.5 घंटे की क्लासेस में सर बहुत अच्छे से समझा देते हैं। आप इसको क्या कहते हैं, 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हो काफ़ी आराम से, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन इसमें ऐसा होता है वो समझने वाला होता है, और लिखने का तो होता ही है, बट समझने का भी ज़्यादा होता है, और आपको जो मैप वगैरह है ना वो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं, चाहे फिर वो वर्ल्ड का हो या फिर वो इंडिया का मैप ही क्यों ना हो। तो इस तरह से मैं तो अपने नोट्स अपने स्पायरल में ही मेंटेन करके रखती हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हाँ गाइज, आपको ये करंट अफेयर जीके जीएस के साथ साथ आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपना रिवीजन ज़रूर करके रखें, बिकॉज़ रिवीजन करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम जब रिवीजन ही नहीं करते ना, तो
तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इतने सारे करंट अफेयर और नोट्स मेंटेन ही करते रखेंगे तो क्या कहते हैं हमारा रिवीजन नहीं करेंगे, नोट्स ही बनाते रहेंगे तो बर्डन बढ़ता रहेगा और नोट्स वगैरह जो फिर उनका कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि ना क्या कहते हैं टाइम टू टाइम हमें इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। अब हम रिवीजन ही लेट करेंगे तो फिर चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो हमारी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं, तो इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है ना, फिर हमें लगता है कि यार इतना सारा बर्डन है। इसलिए आप नाइट में या मॉर्निंग में हाफ आवर है ना या वन आवर आप अपना एक रूटीन बना लो कि ये जितना भी आपने सब बनाया है ना नोट्स वगैरह करंट अफेयर्स वगैरह जितने भी आपने स्टेट की कंट्रीज़ हो गया है ना कैपिटल्स हो गया सॉरी मैं भी गलत बोल रही हूँ है और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए है ना और तो ये सब उत्सव महोत्सव जो भी हैं हैं इन सब चीज़ों को आपको रिवाइज करते रहना है, बिकॉज इनमें से क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैंने भी अभी तक दो एग्ज़ाम्स दिए हैं तो 110% इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। और स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने कहा यार ये कौन सा फेस्टिवल है वो कौन सा फेस्टिवल, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ना वो गिनती के गिने चुने ही फेस्टिवल्स पढ़े होते हैं है ना, और अब हमें पता चल रहा है यार ये भी फेस्टिवल होता है वो भी फेस्टिवल होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करने में ना फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसलिए गाइज मैंने तो इसमें ऐसे ही किया था, आप भी इसी तरह से अपने नोट्स को मेंटेन करें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे अपने लिखती जा रही हूँ जो भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं त्यौहार हैं है ना प्रमुख महोत्सव एवं त्यौहार, ठीक है, जैसे जलीकट्टू त्यौहार हो गया है ना, बोनाल महोत्सव हो गया, बैसाखी उत्सव हो गया, श्रावणी मेला हो गया है ना, तो और क्या कहते हैं अंबुबाची का मेला हो गया, तो ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मेले हैं महोत्सव हैं है ना, और जो हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सो गाइज़ इस तरह से मैं अपने क्या कहते हैं करंट अफेयर की क्लासेस इस तरह से अटेंड करती हूँ, और ये जो है ना जब सर पढ़ा रहे होते हैं ना तो मेरे को ना काफ़ी सारी चीज़ें साथ के साथ याद होती चली जाती हैं, और अगर आप इस चीज़ों को रिवीजन में लाते रहेंगे ना तो आपको भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करते रखना है। और जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे ना आपको 110% कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम दिया था ना तो मैं भी लाइक यार कैसा है, जब मैंने दिल्ली पुलिस का दिया था अटैम्प्ट किया था फर्स्ट टाइम वो वाला पेपर तो मुझे भी लग रहा था यार ये क्या है, फिर उसके बाद जब मैंने क्लासेस लेना शुरू किया है ना अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, ये भी हमारे को पढ़ना ज़रूरी है। देन आप देख सकते हो ये करंट अफेयर है कि हाल ही में ईरान में डैमेजिंग उपग्रह पार्स वन को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है ना, रॉसकोमोस और रूस की स्पेस एजेंसी से लॉन्च हुआ है, तो सर इन सारी चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से बताते हैं। देन आपको साथ के साथ उसकी कैपिटल्स वगैरह भी इसमें लर्न होती रहेंगी है ना, तो ये चीज़ें आपको गाइस बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और इसी तरह से आपको अपने करंट अफेयर्स मेंटेन करें। ये नहीं कि आपको अपने वन वर्ड में आंसर लिख देना है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी करना है, जैसे हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर अत्याधुनिक कम दूरी वाले वायु रक्षा प्रणाली का जो परीक्षण है ना वो सफल से ही किया है ना, मतलब अच्छे तरीके से वो हो चुका है, तो DRDO ने किया है कैसे कैसे किया है ना, डिफेंस सिस्टम क्या क्या नाम है उस चीज़ के है ना, जितने भी अंतरिक्ष के हैं ना, ये APJ कलाम द्वीप कहाँ पर है, विक्रम साराभाई कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें गाइस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और अंटार्कटिका में हाल फिलहाल में ही वो जो फैल रहा है, मतलब पहली बार किसने अंटार्कटिका की भूमि पे दस्तक दी है ना, बर्ड फ्लू है ना इसने दी, और उसका जो नाम है H5N1 वायरस है, तो इस तरह से आपको चीज़ें मेंटेन करनी है, और ऑक्सफोर्ड पुरातत्विक जो है ना उनके द्वारा जो खो दी गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पूरे 10 questions होते हैं, और सर इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमारी पूरी करंट अफेयर की क्लासेस 1.5 hours की जाती है ना। सो गाइज आई होप आपको इस तरह से काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, तो अभी तो मेरा फ़िलहाल करंट अफेयर ही करा मैंने, और बाकी मैं शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मैं उसके बाद थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब अपना करने पे ध्यान देती हूँ। बाकी ये देखो आप मेरे करंट अफेयर देख सकते हो, इसी तरह से मैं अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करती हूँ। अभी तो मेरा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया फर्स्ट और सेकेंड क्लासेस ही है, और मंडे से सर बोल रहे थे काफ़ी अच्छा सा हमारा बैच शुरू होने वाला है। सो फाइनली गाइज आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।